सांसद निशिकांत दुबे ने गुड्डा एवं देवघर में मनरेगा के घोटाले की जांच ईडी एवं सीबीआई से कराने की मांग की है। बता दें आपको कि वही राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों हमेशा ही बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया है, इस बार भी वैसा ही होगा। उनको कहा था कि मनरेगा में हमारे यहाँ व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच आप सीबीआई और ईडी से कराइए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसा भारत सरकार का है, भारत सरकार की योजना है। अभी आज आपने देखा होगा कि एक आदमी ने ट्वीट किया कि एक मुखिया के फंड से जो बन गया है कुआं, वही मनरेगा के फंड से भी दिखाई दे रहा है। सामने सीधा सीधा कोटा का, कोटा में प्रधानमंत्री रोजगार के नाम पर भी जो है कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे और कोरोना के बाद जो पलायन करके जो चले गए थे, यहाँ से विस्थापित होकर जो मजदूर चले गए थे, मजदूर जो लौटे, उनके लिए कुछ जिलों में जो प्रधानमंत्री जी ने रोजगार का कार्यक्रम चलाया था उसमें गोड्डा भी है, तो गोड्डा में और भी व्यापक पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने इन दोनों जिलों के लिए आज फिर विशेष तौर पर आग्रह किया, ट्वीट किया है गिरिराज सिंह जी को कि आपको जो मैंने चिट्ठी लिखी थी जिसके ऊपर आपने संज्ञान लिया है, ये उसका उदाहरण है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।